नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे प्लांट्स केयर एंड गाइड में। मैं हूँ सजीरा और आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ आप सबको, जिसे देखकर आप सब भी बहुत खुश होने वाले हैं। और ये बहुत रेयर भी है दोस्तों, ये मैंने हर किसी के घर में नहीं देखा है। ये एक फ़िश बोन कैक्टस इसका नाम है। और नर्सरी में जो आप फिश बोन कैक्टस देखते हैं उससे और ये वाला जो मेरे पास है ये थोड़ा डिफरेंट है, बट हाँ दोनों सेम ही है, फिश बोन कैक्टस ही है ये भी दोस्तों। ये मैंने रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, वहाँ पे बहुत सारा लगा हुआ था, तो मैंने उनसे एक कटिंग मांगा और उन्होंने मुझे गिफ्ट में इतने सारे कटिंग्स दे दिए। तो इनको मैं अभी रिपॉट कर दिखाने वाली हूँ और इसका प्रोपोगेशन करना भी मैं आप दिखा दूँगी। और ये बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है और बहुत इजीली रूटिंग भी हो जाती है, इसमें आपको किसी भी तरीके के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं दिखाने वाली हूँ कि इसे हम किस तरीके से पॉट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में कि इसे हम किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके के लाइट कंडीशन इसे पसंद है, वाटर कंडीशन कैसा पसंद है, तो देख लेते हैं। अगर आपने मेरे कैक्टस एंड सकलेंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। उसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप सकलेंस और कैक्टस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये भी एक कैक्टस ही है और सिमिलरली इसे भी कैक्टस की तरह ही ट्रीट करना है, केयर करना है हमें। तो दोस्तों ये भी एक जैसे डेजर्टेड एरिया में ये ग्रो होता है, तो आप समझ ही सकते हैं डेजर्टेड एरिया इन द सेंस कि बहुत सारा बहुत गर्मी सीज़न में ये ग्रो होता है और इतना नॉर्मली, तो इसे हम सेम कैक्टस एंड सकलेंस के सॉइल में ही ग्रो करेंगे। अब ये जो इतनी लंबी कटिंग है मेरे पास, इसका मैं क्या करने वाली हूँ, इसका हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करूँगी पहले। तो इस तरीके से हम इसे काट लेते हैं पहले। देखिए मैंने इसका फोर डिवीजन अभी यहाँ पे कर लिया है, अब इनको मैं लगा दूंगी इसमें और देखते हैं दोस्तों 2 महीने बाद, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि 2 महीने बाद ये बहुत इजीली रूट हो जाएगा और ग्रो होगा। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो ये एक लीफ निकला हुआ है, यहाँ से आपको दूसरी रूट्स निकलना स्टार्ट कर जाएगा। देखते हैं क्या होता है, डेफिनेटली मैं इसका अपडेट आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। टू बी फ्रैंक दोस्तों, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरीके के फिश बोन कैक्टस को जो मैं लगा रही हूँ अपने घर में, तो चलिए देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। जहाँ मैं बात करूँ अगर इसके सॉइल कंडीशन, तो ये नॉर्मल जो कैक्टस सॉइल जो हमें मिलता है वही सॉइल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसमें 50% जो बजरी या फिर रिवर सैंड जिसे कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो है। इसमें मैंने 25% पर्लाइट मिक्स किया है दोस्तों। पर्लाइट से कैक्टस एंड सकलेंस को इनको मिनरल्स मिलता है और ये ग्रो करने में इंजॉय करता है, साथ ही साथ वो एरेशन भी प्रोवाइड करता है, जो एरेशन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पानी को होल्ड नहीं करता, बहुत इजीली पानी निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप इस तरीके का कंटेनर ले रहे हैं, ये एक टेक अवे कंटेनर है जिसमें मैं लगा रही हूँ, बट मेक श्योर करें कि यहाँ आप ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें मैंने वर्निकुलाइट भी 25% ऐड किया है। बस इसे मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगी। पहले हम नीचे के ये जो पत्ते हैं इसे हम निकाल लेंगे, ना काफ़ी है, अब इसे हम बस सिंपली इस तरीके से लगा देंगे। दोस्तों ये जो पत्ते हैं आप इसे भी लगा सकते हैं और इसमें भी रूटिंग बहुत इजीली हो जाता है, तो ये भी मैं लगाने वाली हूँ। इसे प्लीज़ फेंकेंगे नहीं, हम ये भी इसे साथ में ऐसे लगा देंगे। तो ये मैंने इसमें लगा दिया है, बाकी दो कटिंग्स मैं दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ।
तो देखते हैं, इसका 2 महीने बाद मैं इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ और इसको निकाल कर दिखाऊँगी कि रूटिंग इसका कितना हो चुका है। इसे हम वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, जस्ट एक ग्लास में पानी डालकर इसे डाल दीजिए, आप विद इन 15 to 20 days में इसमें रूटिंग देख लेंगे। मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ, वाटर प्रोपगेशन भी डेफिनेटली आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। मैंने इसके एक कटिंग ऑलरेडी लगा लिया है वाटर में, तो अभी जस्ट 2-3 days हुआ है, देखते हैं आफ्टर 15 to 20 days कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं इसको बताना चाहती हूँ कि जस्ट हमने इसे अभी रिपॉट किया है, प्रोपगेट किया है, तो इसे हमें एक सेमी शेडेड एरिया में रखना है। वाटर आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो बजरी होता है, बजरी में ऑलरेडी अभी इसमें वाटर है, तो आप वाटर बिल्कुल ही ना करें। आफ्टर सम 15 to 20 days जस्ट स्प्रे बॉटल से हल्की सी स्प्रे कर दें, तो पानी की इसमें ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा। इसे हम बाद में जब ये रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा रूट, तो हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे। इस प्लांट को एटलीस्ट 4 to 5 hours ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरत ही होती है। जैसे कैक्टस को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इसे मैं भी बाहर रख दूँगी ताकि इसे प्रॉपर सनलाइट मिल जाए। तो ये हो गया दोस्तों मेरे फिश बोन कैक्टस पे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये, तो ज़रूर ट्राई करें इसे ढूंढने की और लगाएं अपने घर में, नर्सरी में देखिए अगर मिले आपको। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो या फिर ये प्लान, तो ज़रूर थम्स अप करके लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।